हेलो फ्रेंड, आज हम आपको मैमरॉन के बारे में बताएंगे। हमने बिल्कुल नई मैमरॉन जो कि वोनट्रॉन की है वो इसमें डाली थी आरओ में, लेकिन पानी की ओर नहीं निकल रहा है। अभी हम दिखा देते हैं आपको। हमने अलग से सिस्टम बनाया है, एक एडोप्टर लिया है, एक पंप लिया है और एक हाउसिंग ली है मैमरॉन की, और एक FR लगाया है कैन फ्लो का। तो इसे हमने अलग ही निकाल लिया है क्योंकि उसमें काम नहीं कर रही थी। तो अब इसे चेक कर लेते हैं कि पानी प्योर आएगा इसके अंदर या नहीं आएगा। बिल्कुल नई मैमरॉन हमने लगाई है, वोनट्रॉन वाली। अब मैं इसका प्लग स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से सप्लाई आ चुकी है, ये चालू हो चुका है, देख सकते हैं पंप भी चल रहा है, पानी भी आ रहा है इसमें, और देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर तो निकल रहा है लेकिन प्योर वाटर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप करके पानी आ रहा है इसके अंदर जो प्योर है, और जो रिजेक्ट है वो सारा ऐसे ही निकल रहा है। तो जो नई मैमरॉन होती हैं कभी कभी उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि पानी जो है प्योर नहीं निकालती हैं, रिजेक्ट पानी निकालती रहती हैं। ये वोनट्रॉन की मैमरॉन इसके अंदर लगाई है, अभी हम इसे दिखाते हैं आपको निकाल के कि बिल्कुल नई मैमरॉन है ये। होल है इसके बीच में, और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को लगा के ऊपर को पुश कर देंगे, ये आराम से निकल जाएगी आसानी से। ये देख सकते हैं वोनट्रॉन ओरिजिनल वोनट्रॉन मैमरॉन एलिमेंट हमने ये लगाई है इसके अंदर, लेकिन ये काम नहीं कर रही है, बिल्कुल नई मैमरॉन है। हमने इस पर टेफ्लॉन टेप भी लगाई है जिससे इसमें पानी जो है प्योर हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रही है। और ये बिल्कुल हार्ड है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड है। तो जो हार्ड मैमरॉन होती है वो काम बहुत कम करती है, इसीलिए जो है सॉफ्ट मैमरॉन का यूज़ करें। ये हमने बिल्कुल नहीं है वोनट्रॉन, वो काम नहीं कर रही है। अब हम इसके अंदर pH टैग की मैमरॉन लगा बाहर, ये देख सकते हैं बिल्कुल नई मैमरॉन है ये। इसे मैमरॉन की हाउसिंग के अंदर डालेंगे, ये मैमरॉन की हाउसिंग है, ये बाहर से अलग से ही चेक हो जाती है आसानी से, पूरे सिस्टम में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जो हाउसिंग होती है वो भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए हमने दो हाउसिंग का यूज़ करा है इसके अंदर, क्योंकि एक हाउसिंग कभी कभी ख़राब भी हो जाती है जिसकी वजह से पानी प्योर नहीं निकल पाता, इसलिए दूसरी हाउसिंग भी हमने इसके अंदर लगा के चेक करी है। इसको आने के बाद में आराम से पुश कर देंगे, ये नीचे की तरफ को बैठ जाएगी, ये इस तरह से लग जाएगी, और ये इसका कवर है ऊपर का। ये रिंग जो है ये ज़रूर लगाएं, अन्य तो पानी लीक होने लगेगा। ये इस तरह से कसी जाएगी, थोड़ी सी टाइट कर दें, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पंप का पाइप लगाएंगे प्रेशर से, पानी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले खोल के, पानी सही आ रहा है बिल्कुल। और प्रेशर से हमने स्टार्ट करा पंप, तो देख सकते हैं पानी बिल्कुल सही है। हमने मैमरॉन के अंदर पानी का पाइप लगा दिया है, अब देखते हैं पानी प्योर आएगा या नहीं आएगा। ये देख सकते हैं पानी प्योर आना स्टार्ट हो चुका है, पानी बिल्कुल दोनों में बराबर ही आ रहा है, लेकिन जो रिजेक्ट का पानी होता है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, जो रिजेक्ट का पानी होगा वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, और जो प्योर वाटर होगा वो कम आएगा। इस पर 450 का कैन फ्लो का हमने FR लगाया है, ये देख सकते हैं कैन फ्लो का 450 का हमने लगाया है। अगर 300 का हम इसके अंदर FR लगा देंगे तो जो प्योर जो वाटर है हमारा उसकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी, रिजेक्ट की थोड़ी कम हो जाएगी, प्योर की ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होगा हमारे पंप पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पंप को, और पंप ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये मैमरॉन के हिसाब से रखते हैं कितने GPD की मैमरॉन इसके अंदर लगी हुई है, ये देख सकते हैं हमारी मैमरॉन जो है ये बिल्कुल ठीक है, हाउसिंग भी ठीक है, इसीलिए हमने दो हाउसिंग का यूज़ करा है इसके अंदर, क्योंकि कभी कभी हाउसिंग भी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए दो हाउसिंग में हमने इसे चेक करी है। तो ये मैमरॉन ख़राब है, लेकिन दूसरी मैमरॉन हमने लगाई है इसके अंदर pH टैग की, तो वो ठीक काम कर रही है, देख सकते हैं पानी प्योर आना स्टार्ट हो चुका है दोनों में, इसमें प्योर वाटर आ रहा है, और ये जो FR लगा है इसके अंदर रिजेक्ट वाटर आ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये रहती है कि ये जो दो पॉइंट होते हैं
इसमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा रिजेक्ट का है और कौन सा प्योर का है। तो जो छोटा वाला होता है ये तो होता है रिजेक्ट का, और जो ये बड़ा वाला होता है ना ये प्योर का होता है। ये अंदर से भी देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं अंदर से जो होल बना हुआ है उसके अंदर जो है प्योर वाटर निकलेगा, और जो अलग साइड में है उसमें रिजेक्ट वाटर निकलेगा। मतलब छोटा वाला जो है उसमें रिजेक्ट वाटर है और जो बड़ा वाला है ये प्योर वाटर है। तो बस यही दिखाना था आपको कि नई मैमरॉन भी ख़राब निकल जाती है। बोनट्रॉन की अच्छी कंपनी है, उसकी भी मैमरॉन ख़राब निकल जाती है, तो मैमरॉन की कोई गारंटी नहीं आती है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।